नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में 1650 करोड़ की सौगात के लिए गंगा आरती कर पीएम मोदी का अभिनंदन। नमामि गंगे ने वेदपाठी बटकों के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर सर्वागीण विकास हेतु पीएम मोदी के लिए मांगा आशीर्वाद। काशी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के ऐतिहासिक अवसर पर नमामि गंगे ने महर्षि वेद विद्यालय के वेदपाठी बटकों के साथ सिंधिया घाट पर राष्ट्रध्वज और पीएम मोदी के तस्वीर लेकर मां गंगा की आरती उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और काशी के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। गुलाब की पंखुड़ियों से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर काशी की स्वागत परंपरा के अनुरूप अलौकिक छठा बिखेर रहे सिंधिया घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर माता की तरह हितकारी नदियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा किनारे की सफाई कर पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता और नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। काशी के गले में 1650 करोड़ की मोतियों का हार विकास के रूप में सजेगा। यह दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा एवं महर्षि वेद विद्यालय सिद्धेश्वरी के वेदपाठी बटुक शामिल रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।